लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए आज शाम से गाजियाबाद में चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अब सभी दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है और सभी अपने स्टार प्रचारकों और बड़े नेताओं को बुला रहे हैं। बीते दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव गाजियाबाद पहुंचे और महागठबंधन प्रत्याशी सुरेश बंसल के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के लिए प्रियंका गांधी ने रोड शो किया था और आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचेंगे। बता दें, बीजेपी प्रत्याशी वीके सिंह के पक्ष में ये गाजियाबाद में उनकी तीसरी जनसभा होगी, जिसके बाद शाम 5 बजे से आचार संहिता लग जाएगी और पहले चरण के चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा। बता दें, पहले चरण में कैराना, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर में चुनाव होने हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर, दिल्ली।